बता रहे हैं कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, सरकार के अधिकारी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारे साथ इनजस्टिस कोर्ट द्वारा भी किया जा रहा है। वो कहते हैं कि योग्य शिक्षक है ही नहीं, किसको हम नियुक्ति दें। कहना चाहते हैं कि कम से कम आप देखिए, हम भी आपके इस राज्य के वोटर हैं, हमने आपको चुना है, वहाँ तक पहुँचा है, तो क्या इसलिए कि हम ये सब झेले? आज हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, क्या बताइए? आप यहाँ भूखे प्यासे इस समय ऐसे डले, हम बैठ नहीं सकते, पूरे पूरे दिन खड़े होकर निकालना पड़ता है, तो मरने के लिए ही छोड़ा गया है और क्या है बताइए? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दलित और पिछड़े हैं। कभी कभी गुस्से में ये भी कहते हैं, हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग केवल उनके लिए हिंदू तभी रहते हैं जब चुनाव होता है, बस। अच्छा। उसके बाद हम लोग हिंदू नहीं रह जाते। उनको जब माननीय योगी जी ने स्वीकार किया, उनके विभाग ने स्वीकार किया, उनके शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद उन्होंने डेट मुकर्रर कर दी कि हम फला तारीख को 6 जनवरी 2022 को इन बच्चों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सरकार हम लोगों को बिल्कुल रोजगार नहीं देना चाह रही, इतना बुरा हाल करके रखा है कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमारे मुद्दों के लिए, हमारी बात कहने के लिए अगर हमारे जो नेता है, हमारे वर्ग के हैं, जो आरक्षण से ही वहाँ पहुँचे हैं, हो सकता है कि आरक्षण ना अगर संविधान में होता तो वो भी वहाँ नहीं होते, फिर भी उन्हें नहीं लगता। मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। आपको दिखा दें कि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और जो सबसे बड़ा मामला लखनऊ का है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, और ये घोटाला इतना बड़ा हुआ है कि ये शिक्षक तमाम सारे हैं, हम अभी 1 महीने पहले भी आए थे तब भी ये लोग यहाँ पर थे, और आपको बता दें कि तमाम इधर बोर्ड देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, और बताया जाता है इन सबका कहना ये है कि तमाम सारे मंत्री जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, और लगातार हम खबरें भी आपने देखा होगा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं, वो भी पूरे शांति तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि जितने भी मंत्री हैं ये सारे पिछड़े समाज से आते हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो जो कि अभी समय बीजेपी में चले गए हैं, और माननीय केशव प्रसाद मौर्य हैं जो कि डिप्टी सीएम हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, स्वतंत्र देव सिंह पटेल हैं, और सबसे बड़ी बात संदीप सिंह हैं जो कि शिक्षा मंत्री हैं। ये तमाम सारे जो मंत्री हैं इनका कहा जा रहा है कि पिछड़े समाज से आते हैं, उसके बावजूद पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इनका मामला और अभी तक क्यों सुनवाई नहीं हुई। सर, दूसरी चीज़ हम ये बता रहे हैं कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, सरकार के अधिकारी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारे साथ इनजस्टिस कोर्ट द्वारा भी किया जा रहा है, डेट पे डेट देते जा रहे हैं, निस्तारण की तरफ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, हमारी क्या गलती है? हम तो इनके सारे मानक को पूरा करते हुए चयन सूची में आए हैं, चयन प्राप्त किए हैं, इनके अधिकारियों गलतियां हैं। वो कहते हैं कि योग्य शिक्षक हैं ही नहीं, किसको हम नियुक्ति दें। उनको उनकी ये बात कटु सत्य है कि योग्य शिक्षक आज सड़क पे हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगी, जो आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कह सकते हैं, हम लोगों का धरना प्रदर्शन होते हुए आज पूरे 600 दिन हो चुके हैं, 600 दिनों से हम यहाँ पे पड़े, आप देख सकते हैं मौसम की मार कितनी हम झेल रहे हैं, और सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। क्या इन्हें क्या लगता है हम क्या है? केवल हमारे हम लोगों के आगे जो ये दलित पिछड़ा लगा हुआ है, सिर्फ इसीलिए हमें यहाँ पे छोड़ दिया गया है मरने के लिए? क्योंकि अगर ये ना लगा होता तो जैसे हमारी जगह पे दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं तो हमें यहाँ भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। इसलिए हम तो योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम आप देखिए, हम भी आपके इस राज्य के वोटर हैं, हमने आपको चुना है, वहाँ तक पहुँचा है, तो क्या इसलिए कि हम ये सब झेले? आज हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, क्या बताइए? आप यहाँ भूखे प्यासे इस समय ऐसे डले, हम बैठ नहीं सकते, पूरे पूरे दिन खड़े होकर निकालना पड़ता है, तो मरने के लिए ही छोड़ा गया है और क्या है बताइए? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दलित और पिछड़े हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। ये सरकार हम लोगों को बिल्कुल रोजगार नहीं देना चाह रही, इतना बुरा हाल करके रखा है कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वोट तो नेता पिछड़े और दलितों का ही चाहते हैं, तो अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? वही चीज तो हम कहना चाहते हैं, हमारे समाज के जो ये नेता वहाँ पे बैठे हैं तो ये सिर्फ हमारे नाम पे मलाई काट रहे हैं, ना कि हमारे मुद्दों के लिए, हमारी बात कहने के लिए। अगर हमारे जो नेता है, हमारे वर्ग के हैं, जो आरक्षण से ही वहाँ पहुँचे हैं, हो सकता है कि आरक्षण ना अगर संविधान में होता तो वो भी वहाँ नहीं होते, फिर भी उन्हें नहीं लगता है कि हम लोगों के साथ ये हक मारी की जा रही है, तो उन्हें बोलना चाहिए। हम चिल्ला ऐसा कोई नेता मंत्री विधायक नहीं हम जिसके दरवाजे पे अपनी पीड़ा को लेके ना गए हों, लेकिन कहीं भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी सुनो तो हाँ आपका काम चल रहा है, आपका काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अगर हो रहा है तो हम 600 दिन से यहाँ पर क्यों हैं? अगर हो ही रहा होता तो हम 600 दिन से यहाँ नहीं होते, हम अपने स्कूल में होते, अपनी नौकरी कर रहे होते, हमारी जगह दूसरे लोग सैलरी नहीं उठा रहे होते। तो मैम कितना दिक्कत होता है, घर बार छोड़ के लगातार 600 दिनों से आप लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं, बच्चे भी होंगे, स्कूल जाते होंगे, पति हैं,
तो क्या मतलब कितनी दिक्कतें होती होंगी मैम? दिक्कतें तो आप समझ सकते हो, एक महिला जो घर से बिल्कुल नहीं निकल सकती, उसे आज अपने हक और अधिकार के लिए अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है। दिक्कतें तो इतनी हम लोग फेस कर रहे हैं कि जिन्हें शायद हम अपने शब्दों में बयां करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो वही समझ सकता है जो इन चीज़ों को झेल रहा है। हम सब के छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर पर पड़े हुए हैं, रोज़ वो कहते हैं आप कब आओगे, इतने दिन हो गए आप कब आओगे। हम उन्हें आश्वासन देते हैं बेटा आज नहीं कल, हम कल नहीं परसों आ जाएंगे आ जाएंगे, तो क्या सकते हैं हम बताइए। लेकिन मजबूर है, हम यहाँ से जा भी नहीं सकते क्योंकि जाते हैं तो हमारा हक तो वैसे ही खा लिया गया है। तो क्या लगता है मैम, लोकसभा चुनाव से पहले कुछ उम्मीद है? क्योंकि 600 दिन हो गए धरना देते हुए आपको, अभी तक कोई ना तो सरकार की तरफ से कुछ हुआ, हालांकि बताया जाता है कि हाईकोर्ट ने तो पहले ही कर दिया था, योगी जी ने भी कहा है, लेकिन अधिकारी नहीं कर रहे। क्या लगता है कि अब आगे कुछ होगा या नहीं होगा? सर अभी 1 तारीख को जब मीटिंग हुई तो हमको उम्मीद लगी थी कि हो जाएगा, मगर कुछ बाद हमें पता चला कि जर्नल वाले जो लाइव आए उन्होंने बताया कि एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि अधिकारी उनके हैं और वकील उनके हैं, जज उनके हैं, उनको सब पता रहता है क्या हो रहा है। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि मीटिंग बुलाई है, उन्होंने साफ बोल दिया जर्नल वालों ने कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो पहले हम लिए जाएंगे, इनका इनको कुछ नहीं मिलने वाला, पहले हमको लेंगे तब जाकर उनको बोलो। वो तो ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा भरे हुए हैं, वो तो हमारा आरक्षण खा के भरे हुए हैं, पहले से ही ज्यादा है, मगर उनको हर चीज पता रहती है क्योंकि उनके वर्ग के लोग बैठे हैं, वो सब बताते हैं कि चिंता मत कर, उन्हें हम बेवकूफ बना रहे हैं बस। चलिए, योगी जी ने ये सख्त आदेश दिया है अधिकारियों को, उसके बाद भी अधिकारी इतने मनबड़ हो गए हैं कि योगी जी के आदेश की अवहेलना करके काम कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, योगी जी ने आदेश कर दिया? बिल्कुल आदेश किया, ट्वीट किया बकायदा। हाँ। विधानसभा चुनाव के पहले हाँ। उन्हें ट्वीट करते हुए और सबकी मीटिंग हमारे तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए तो नहीं ट्वीट किया कि चलो इस समय ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद जैसे होता है ना चुनाव के समय वोट ले लो उसके बाद फिर पिछड़ों का हक मार दो, तो ये तो बात वही हुई ना, फिर ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्रीत वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये वचन दिया ना, लिस्ट निकाली ना, योगी जी ने कहा ना आदेश दिया, तो अब इसको उनके लिए चुनावी जुमला हो सकता है, लेकिन वो जिस वंश की बात करते हैं, जिस रामराज की बात करते हैं, रामराज में तो यही है। तो क्या ये जो पिछड़े आते हैं रामराज में नहीं आते क्या? मतलब बायकॉटेड आते हैं? बिल्कुल आते हैं, हम लोग तो कहते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी गुस्से में ये भी कहते हैं, हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग केवल उनके लिए हिंदू तभी रहते हैं जब चुनाव होता है, बस। उसके बाद हम लोग हिंदू नहीं रह जाते, उसके बाद हम लोग पिछड़े दलित हो जाते हैं बस। और हमारे खासकर हमारे नेता जो हैं जिनका फोटो आप देख पा रहे हैं, वो भी हमारा साथ कहीं ना कहीं नहीं दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी ने कई बार हमारा मुद्दा उठाया है, नहीं, बड़े बड़े मंचों से तो हम देखते हैं जितने नेता हैं 36 जातियां गिनाते हैं ओम प्रकाश राजभर। हाँ, अभी जब अब उसमें एनडीए में चले गए तो उनका जो है थोड़ा सा फेविक्विक वाला टेप लग गया है। हाँ, तो क्या कहेंगे? सही, बिल्कुल है, केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी उनका एक ओहदा है मुख्यमंत्री के बाद, लेकिन फिर भी उनके जुबान से कोई बात नहीं निकलती, कोई एक जुबान नहीं निकलता। अच्छा, अच्छा, ये नेता जो भारतीय जनता पार्टी जितने भी पिछड़े नेता कोई यहाँ पर आया कि नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, लेकिन हम लोग किसी का दरवाजा नहीं छोड़े हैं, हम लोग ऐसा कोई दरवाजा नहीं छोड़े हैं, पक्ष का या विपक्ष का, जो पिछड़े दलित हों नेता हैं, कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं जिसके दरवाजे पे हम नहीं गए, लेकिन ये लोग कोई नहीं आए। तो चलिए देख सकते। अच्छा, अभी मतलब जो विपक्ष के नेता कई सारे हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण हो या अखिलेश यादव हो, इनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल या ये लोग आए यहाँ पर देखने के लिए? हम ये चाहते हैं कि सरकार सरकार होती है। हाँ। हमको विपक्ष से अभी कोई मतलब नहीं, हमको राजनीति नहीं करनी है। हमको जब माननीय योगी जी ने स्वीकार किया, उनके विभाग ने स्वीकार किया, उनके शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद उन्होंने डेट मुकर्रर कर दी कि हम फला तारीख को 6 जनवरी 2022 को इन बच्चों को नियुक्त करेंगे। तो अब सब कुछ मानने के बावजूद हम लोगों को 2 साल से चलाया जा रहा है। हम लोग गरीब किसान मजदूर वर्ग से आते हैं, कितनी मुश्किल से लोग टेट सुपर टेट की परीक्षा पास किए, समय इतना लगा है, 1.5 साल की तैयारी करते हैं टेट पास करते हैं, और 1.5 साल की तैयारी करते हैं तो फिर सुपर टेट पास करते हैं, वो भी आपके मानक के अनुसार। तो फिर अब क्या दिक्कत आ गई जब आपने मान लिया कि इन छात्रों के साथ विसंगति हुई? हम लोगों ने कहा घोटाला हुआ, लेकिन उनको भी उसको पर्दे में रख के विसंगति बता रहे हैं। जब आप मान रहे हैं तो माननीय योगी जी की बातों का कोई औचित्य नहीं रह गया, क्यों अधिकारी अवहेलना कर रहे हैं? हमको नियुक्ति चाहिए, हम विद्यालय में जाएं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम गरीब मजदूर परिवार से आते हैं और 5-5 साल जो है घूमते रहें। मेहनत से हमने पैसा खर्चा किया, गवर्नमेंट कॉलेज से हम लोगों ने पढ़ाई करी है, मेहनत की है, शिक्षा का प्रसार करें। देखिए, मोदी जी जो ना, मोदी जी दुहाई देते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग की। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्था इन्होंने घोषित किया ना, भाजपा सरकार मोदी सरकार ने घोषित किया ना, उनकी रिपोर्ट है।
तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी की भी अवहेलना कर रहे हैं, योगी जी के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं, तो ये अधिकारी इतने मनबड़ हो गए हैं कि ये करना क्या चाहते हैं हमारे साथ, ये समझ में नहीं आता। कभी भी अपना रुख स्पष्ट नहीं करते हैं, कोर्ट में पैर भी होती है, हम लोग का कोई पैर भी नहीं करते हैं। महाधिवक्ता आज तक हमारे क्यों आज तक हमारे कोर्ट में कभी भी महाधिवक्ता नहीं गया, तो इसका मतलब क्या माना जाए? हमारे साथ कहते हैं, हम आपके साथ में आपका काम कर रहे हैं, आश्वासन देते हैं, सारे मंत्री कहते हैं, सारे विधायक कहते हैं कि हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और हो रहा है। अच्छा, इसका हाईकोर्ट से तो आदेश हो चुका है पहले ही ना? बिल्कुल, हाईकोर्ट तो आपको बता दें कि जिस तरीके से एक वही का चीज होता है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बावजूद ये कहा जाता है कि राजा ने तो कर दिया लेकिन उनके मंत्री सिपहसालार लोग अभी लोगों को घुमा रहे हैं।